का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इससे पहले आपको लेकर चलते हैं जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधन कर रहे हैं। ये सबसे पहले मोती डुबरी जाकर गणपति जी के आशीर्वाद लेकर और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लेकर प्रार्थना करके आज इस कार्यक्रम में हम शिरकत कर रहे हैं। पुनः मैं गणपति भगवान का नमन करता हूं, गोविंद महाराज को नमन करता हूं और यह राजस्थान जो समर्पण की भूमि है, जो वीरों की भूमि है, जो संघर्ष की भूमि है, जो तप की भूमि है, ऐसी भूमि को भी मैं नमन करके अपनी बात आज अर्जुन राम मेघवाल जी ने आपके सामने विस्तृत रूप से ये सुझाव, आपका संकल्प हमारा, इसकी बारीकियों के बारे में आपसे चर्चा की। अभी अभी आपने पार्टी की एक छोटी सी फिल्म भी देखी जिसमें सारी बातें विस्तृत रूप से बताई गई। 15 दिन की ये यात्रा, 200 विधानसभाओं के क्षेत्र में जाना, हर गांव हर ढाणी को मैं लोगों से संपर्क करना, लाखों कार्यकर्ताओं का जुटना और करोड़ों सुझावों को लेकर के किस तरीके से राजस्थान के संकल्प को हम आगे बढ़ाएं, इस कार्यक्रम को आगे लेकर के चलने का संकल्प लिया है। मुझे बताया गया कि 50 एलईडी वैन्स लगभग 200 विधानसभाओं में जाएंगी, ऑफलाइन और आउटलाइन, डिजिटल और ऑन ग्राउंड दोनों तरीके से सुझाव को इकट्ठा करेंगी, मिस कॉल के माध्यम से भी करेंगी, वेबसाइट के माध्यम से भी करेंगी। यानी पार्टी ने तय किया है कि कोई भी छूट न जाए, जिसका सुझाव हम अपने साथ जोड़ न सके, इस बात का प्रयास हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम सफल होगा और आपने और राजस्थान आगे चल करके आपके सुझाव से एक मजबूत और एक विकसित राजस्थान को हम आगे ले चलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि संकल्प पत्र का अर्थ क्या है, और मैं चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता इस बात को समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई संकल्प पत्र निकालती है तो वो राजनीतिक दस्तावेज ही नहीं होता है, वो राजनीतिक दस्तावेज की तरीके से पार्टी के कार्यालय में पड़ा हुआ एक दस्तावेज के रूप में ही नहीं होता है, वह हमारा आगे कार्य करने का लक्ष्य होता है जिसको हम पूरा करते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी। एक समय था, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, वायदे करो, बेवफा हो जाओ, भूल जाओ, जनता को नए लुभावने वाले नारे लेकर के अगले चुनाव में खड़े हो जाओ, यही संस्कृति थी। मुझे याद है मैं लंबे समय तक एमएलए रहा और उससे पहले का मुझे याद है होता था, पार्टी के नेता चुनाव से पहले जंगलों में चूना लगवाते थे और जनता को बताते थे कि यहां से निकलेगी सड़क, यहां से निकलेगी सड़क, और जनता भी बेचारी भोली भाली गुमराह हो जाती थी और वो इस आशा में रहती थी कि सड़क बनेगी। चुनाव समाप्त होता था, जनता को चूना लग जाता था और लोग त्रस्त हो जाते। मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं वो जमीन पर
ढकी हुई बातें कर रहा हूं। मैंने वो भी समय देखा है जब चुनाव से पहले हमारे एमएलए साहब आया करते थे, बोले पानी नहीं पहुंचा। अच्छा, मैं कल ही पाइप भिजवाता हूं। और दूसरे दिन तीसरे दिन ट्रक के ट्रक पाइप के ढेर आकर के गांवों के सामने रख दिए जाते थे। चुनाव समाप्त होता था, अगले सप्ताह किसी दिन रात के पाइपों को ट्रक उठाकर ले जाते। ये थी संस्कृति। मोदी जी ने संस्कृति को बदला और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। जो कहा है वो करेंगे, जो करेंगे उसको आगे बताएंगे। और अब तो ऐसी संस्कृति आ गई, अब तो ये संस्कृति आ गई, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके से हमारे और इसीलिए सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा हुआ। मैं यहां कहना चाहता हूं, जब हम ये बात कहते हैं कि हमने जो कहा वो किया और अपने वायदों को भूले नहीं, जनता भूल गए तो उसको भी भूलने नहीं दिया। अगर हमने 52 तिरवन में कहा कि जब टू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, 370 हटेगा, तो हम एक के बाद एक चुनाव लड़ते गए और जिस दिन संख्या हमारी हो गई उस दिन धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धाराशाही कर दिया। ये हम
कि ये मिस्टर क्लीन नई दिशा देगा, नई उद्यम के साथ कार्य को आगे बढ़ाएगा और आगे का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। उनके नेतृत्व में शाहबानो केस भी देखा, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने